दिल्ली के अलीपुर में रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कि कांग्रेस की मेंबरशिप से जोड़ने को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि सभी कार्यकर्ताओं के बीच दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुद्दे अग्रवाल पहुंचे। साथ ही रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी के जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं सभी यहां पर एकत्रित हुए, जिन्होंने जगह जगह लोगों से मिले, पुराने कार्यकर्ताओं से मिले मेंबरशिप, वह भी डिजिटल माध्यम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे में लगभग 15 तारीख तक यहां मुहिम चलेगी, जिसमें कि कांग्रेस से लोगों को जोड़ा जाएगा, ताकि पहले ज्यादा से ज्यादा लोग सदस्यता लें और कांग्रेस पार्टी से जुड़े। साथ ही रोहिणी जिला अध्यक्ष विशाल मान ने इस मीटिंग का आयोजन रखा। वे तमाम कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया कि हम जल्द से जल्द लोगों के बीच जाएंगे और सदस्यता दिलाएंगे, जिसे कांग्रेस का जो ग्राफ अब गिरा हुआ एवं दोबारा से उठ सके और आने वाले चुनाव में भी इसका फायदा मिले। और पहले की तरह दिल्ली में है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। आज की जो मीटिंग थी उसका मेन उद्देश्य क्या था? मीटिंग थी जो कांग्रेस की मेंबरशिप दिल्ली में चल रही है उसके बारे में लेके मीटिंग थी। ये जो डिजिटल मेंबरशिप कांग्रेस की हो रही है, 100% डिजिटल है। जिस आदमी के पास वोटर आईडी कार्ड है वही मेंबर बन सकता है। कांग्रेस ने एनरोलर्स की फौज बनाई है, जो घर घर जाके अपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करके लोगों को मेंबर बनाएगी। उसको लेके रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग थी, जो विशाल मान जी की, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई। सर, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि हम कांग्रेस का ग्राफ गिर चुका है, हम क्यों इसे मेंबर जुड़े? नहीं, देखिए, मेंबर तो बहुत बन रहे हैं कांग्रेस के। देखिए, ग्राफ गिरा था 2 साल पहले, कांग्रेस के जो इलेक्शन हुआ था उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उसके बाद अनिल चौधरी जी के साथ एक वाइस प्रेसिडेंट की टीम बनी, 5 वाइस प्रेसिडेंट की, और सब दिल्ली में अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसका। सर, आज देखने को मिल रहा है कि तमाम बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है लगातार पोस्टर होल्डिंग लगा रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए, मैं तो काफ़ी जा रहा हूँ, वो सामने लगे हुए हैं पोस्टर्स, ठीक है ना, ये तो है। देखिए, दूसरी चीज़ और है जो मैं आपको बेसिकली कहना चाहता, देखिए मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने, आप पार्टी ने मिस कॉल पे मेंबरशिप चालू की है। हमने की है ऑथेंटिक मेंबरशिप। क्या मिस कॉल से कोई मेंबर बन सकता है? क्या आपके पास उस आदमी की डिटेल भी आएगी मिस कॉल से? मैं तो आज तक ये नहीं समझ में आया। तो वो तो फर्जीवाड़ा मेंबरशिप कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं हमारे इतने मेंबर बन गए, जबकि वो मेंबर बने नहीं है। वो सिर्फ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, हम जेन्युइन मेंबर बना रहे हैं। दोनों में ये फर्क है। क्या लगता है 2022 चुनाव में किस तरह कितनी सीटें आ सकती है? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस तीनों जो हमारे कॉर्पोरेशन है उसमें बहुत अच्छा करेगी और जीतेगी। इतना ग्राफ गिरना कारण क्या रहा होगा आपका? कांग्रेस पार्टी किसका, कांग्रेस पार्टी का जो वोट परसेंटेज घटा है? देखिए, बिल्कुल घटा है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो भी संस्था या इंसान है हमेशा अवलोकन करना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमारा कोई बुरा रिजल्ट आ रहा है, उसका हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, जो हमने किया है उसके बाद ही हमने पूरी नई टीम बना के उस पर काम शुरू किया। सर, अब देखा जा रहा है, हम जगह जगह लोगों से बातें कर रहे हैं, लोग बाग एमसीडी में जो बीजेपी इस टाइम उससे खफा है, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट है वो लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। देख, कैंडिडेट तो किसी भी पार्टी के अनाउंस नहीं हुए अभी। नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे? दिल्ली में अनिल चौधरी जी ने पोल खोल यात्रा शुरू की है, आज मैं यहाँ आया हूँ, 14 डिस्ट्रिक्ट में मैं तो जा चुका हूँ, 2-2 बार ही जा चुका हूँ। ऐसा नहीं हो, मेरे साथ जो और उपाध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, सब जनता के बीच में जा रहे हैं। ठीक है, सर, आज की जो मीटिंग रखी थी इसका मेन उद्देश्य क्या था, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मेन उद्देश्य हमारा मेंबरशिप था, जो हमारी डिजिटल मेंबरशिप जो हमारी चल रही है और प्रदेश से हमारी निकाली है, क्योंकि हमें एक एक घर जा रहे हैं और मेंबर बना रहे हैं अपने पुराने साथी और जो भी हमारे मेंबर हैं। और हम क्या है कि निगम चुनाव भी हैं, उस पर भी चर्चा चल रही है हमारी, और जो हमारा कार्यकर्ता है वो एक एक घर घर जाके कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा है। किस तरह आप कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे और किस तरह जोड़ पाएंगे लोगों को? कांग्रेस जो हमारी है, हमने पीछे भी काम किया है और आगे भी काम करेंगे। लोगों के बीच में हम जा रहे हैं कि हमारा पिछला 15 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने काम किया है। और केजरीवाल ने 7 साल में झूठे बोला है और वो दूसरे स्टेटों में जा जाके, आपको पता ही है कि जो दिल्ली का पैसा है वो बर्बाद किया जा रहा है। तो कब तक ये मुहिम चलेगी? और जो चुनाव की बात करें तो चुनाव में भी कब तक डिक्लेयर? चुनाव में हमारे जो हैं कैंडिडेट, जल्दी से जल्दी हमारी प्रदेश से आवेदन चल रहा है, फार्म भरे जा रहे हैं, 15 तारीख हमारी लास्ट डेट है, उसके बाद पुनर्विजन पर विचार होगा और फिर स्क्रूटनी वगैरह होके जितनी जल्दी हो सके कि हम उतनी जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे।